जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, CAPF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, और ASI स्टेनो की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है, ठीक है, और ये 2024 में आई है। पहले क्या होता था दोस्तों, सभी जो डिपार्टमेंट थे, चाहे BSF, चाहे CRPF, चाहे ITPP, चाहे SSB, अपनी वैकेंसीज को अलग अलग करके निकालते थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो है कंबाइंड वैकेंसी करने का मन बनाया है और CAPF BSF मतलब जो है इसको कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो ओवरऑल सारी CAPF का जो है एग्जाम वगैरह सारा एक साथ होने वाला है और सभी का अपना अपना वैकेंसी का एक स्ट्रक्चर भी आया है। यहां पर दोस्तों, बहुत से बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि सर, जॉब प्रेफरेंस हम किस हिसाब से डालें। जैसे क्या होता था, SSC GD में जो फॉर्म फिल होता था उसमें क्या है कि आपका प्रेफरेंस रखते थे कि भैया पहली जो चॉइस है मेरी CISF होनी चाहिए, सेकंड चॉइस मेरी BSF होनी चाहिए, थर्ड चॉइस मेरी CRPF होनी चाहिए, फोर्थ मेरी SSF होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से दोस्तों इनका भी एक चॉइस है और वो चॉइस किस आधार पर आप फिल करें, ठीक है, वो मैं आपको इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताकर कहूंगा, ठीक है। दोस्तों, सारी जो इंफॉर्मेशन इनके बारे में बताऊंगा, तब आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको बेस्ट लगता हो, वो आप अपना फॉर्म फिल में, अपना प्रेफरेंस में डाल, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक SCM वाला बता सकता है कि भैया किस टाइप से, मतलब किस टाइप की जॉब है और क्या प्रोफाइल रहेगा यहां पे, ठीक है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें कि सभी को पता लग सके कि भैया कौन सी जॉब प्रोफाइल अच्छी है और कौन सा जॉब प्रेफरेंस हम डालें, ठीक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को पता लगना चाहिए। बाकी दोस्तों, CAPF का बैच भी अभी चालू हो जाएगा। बाकी मैंने SC मिनिस्टर का डाल रखा था, जो SSB में SC मिनिस्टर को, मतलब किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, मैच की कुछ वीडियो बनाई थी, पर अब मैं आगे और वीडियोस लाने वाला हूं। मैं थोड़ा सा अभी PDF बनाने में लगा हुआ हूं, ठीक है, तो अगर नहीं तो नॉर्मल पढ़ाऊंगा या फिर PDF में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए रहने वाला है हर चीज, ठीक है दोस्तों। तो भाई यहां पर अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, दिल थाम के बैठिए सभी और देखिए कैसे कैसे क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। भाई देखो, SSB जो है, सशस्त्र सीमा बल इसका पूरा नाम है। इसका जो बॉर्डर दिया गया है वो इंडो नेपाल बॉर्डर वगैरह दिया गया है, इंडो भूटान बॉर्डर दिया गया है। यहां पर दोस्तों SCM की जॉब ठीक है, ठीक है, नॉर्मल ठीक है, ठीक है, और वर्कलोड तो देखो हर किसी फोर्स में रहता ही है, ठीक है, वर्कलोड देखो हर किसी में रहता है, ठीक है। बाकी प्रमोशन में अभी फिलहाल ये सही चल रही है, ठीक है, जो SSB में। तो यहां पर जो है SCM का बताना चाहूंगा, जो वर्क प्रोफाइल जैसे 9:30 से 6 का ऑफिस रहता है और यहाँ पे छुट्टी भी आपकी पूरा है 2.5 महीने, और कुछ कुछ ऑफिस जो आपके यूनिट लेवल पे तो पूरा 2.5 महीने रहता ही है, ठीक है, 75 डेज, और बाकी आपको 20 डेज का आपका जो है मेडिकल लीव रहता है, और बाकी आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी अच्छा है, बटालियन लेवल का जॉब प्रोफाइल है, और बाबूजी है, बाबू मतलब रहते हैं, तो बाबूजी की नौकरी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कुर्सी पे बैठे रहना और हर कोई दुआ सलाम आपको करता रहता है, ठीक है। SSB का ये हो गया। उसके बाद दोस्तों BSF आपको क्या है दोस्तों, देखिए लास्ट में मैं आपको बताऊं कौन कौन सा जॉब आपका बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, अभी इनके चीजों के बारे में बता देता हूं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काफी बड़ी फौज है, ठीक है, और इसका भी जो प्रमोशन है वो बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया है, स्टैग्नेट वैसे SSB का भी हो गया है, लेकिन कुछ रीजनों के कारण इसका हुआ है, लेकिन सर इसका 5 ईयर में या 8 ईयर में, मतलब 8 से 10 साल में इनका प्रमोशन हो रहा है। बाकी BSF में भी थोड़ा लेट हो गया है, काफी स्टैग्नेट सा हो गया है, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल अगर BSF की भी देखी जाए तो नॉर्मल यूनिट्स वगैरह इनकी रहने वाली है, और बॉर्डर इलाके इनके थोड़े से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, इधर की तरफ है, ठीक है, थोड़ा लंबा पीरियड आपका रहने वाला है, लंबी लंबी जगह आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन SSB में आपको ज्यादातर बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, जो नेपाल बॉर्डर है और भूटान बॉर्डर जहां जहां स्थित है वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, ये नहीं कि भैया आपको कन्याकुमारी जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है। तो इसका BSF का प्रोफाइल ये दोस्तों है।
उसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ, ठीक है, इनमें से जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का ये है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे आपका जो है जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। कन्याकुमारी भी आप जा सकते हो, क्योंकि हर जगह हर स्टेट में इनका क्या है ग्रुप सेंटर वगैरह या कोई यूनिट वगैरह जरूर रहती है। और ये सबसे बड़ी सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों है, बहुत बड़ी फौज है, ठीक है। तो सीआरपीएफ में भी आपका जो है वर्क प्रोफाइल वही नॉर्मल जो ऑफिशियल रहता है, ऑफिशियल आपको काम करना है, बाकी डिसिप्लिन थोड़ा सा आपको मेंटेन रखना है हर जगह, ठीक है, क्योंकि फौज में आगे एक वर्दी का जो डिसिप्लिन रहता है वही आपको फॉलोअप करना है। सिविलियंस की तरह यहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं, जैसे सिविलियंस में हम सिविल जॉब करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आईटीबीपी, आईटीबीपी का दोस्तों जॉब प्रोफाइल ये है कि इसमें भी थोड़ा बैठे रहने की है, लेकिन चक्कर ये होता है कि इसका जो है यूनिट्स, ठीक है, थोड़ा सा लेह लद्दाख की तरफ है, तो वहां पर आपको सर्दी थोड़ी ज्यादा होती है, वहां पर भी आपको रहना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा आईटीबीपी में जो ज्यादा बॉर्डर नहीं दिया है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है ये, ठीक है, ज्यादा इधर की तरफ ही रहना पड़ता है, इंडिया तिब्बत की तरफ, ठीक है, और ज्यादा कहीं इधर उधर इनका जॉब प्रोफाइल नहीं है, छोटी सी फौज है ये भी, आईटीबीपी भी और एसएसबी भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का दोस्तों फैसिलिटी के मामले में काफी अच्छा है, ठीक है, और आपको जो पोस्टिंग रहने वाला है वो सिटी एरियाज में आपकी जो है पोस्टिंग रहने वाली है। वर्क प्रोफाइल तो अगर देखा जाए तो वर्कलोड तो हर जगह ही होता है, ठीक है। सीआईएसएफ में क्या है, आपका जैसे एयरपोर्ट पे ड्यूटी हो गया तो वहां पे अगर आपका कोई यूनिट वूनिट है तो वहां पे आपको वो कर दिया, मतलब सिटी एरिया में अच्छे एरिया में यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों असम राइफल, असम राइफल में दोस्तों आपका क्या है कि असम राइफल में असम में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। असम का जो हवलदार क्लर्क है उसमें क्या है असम में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटी इसमें ये है कि आपको आर्मी के अंडर रहना पड़ेगा, आर्मी के अंडर आपका काम है, लेकिन आपका जो है पेंशन वगैरह नहीं है, आपको आर्मी के अंदर काम करना पड़ेगा, आर्मी की फैसिलिटी मिलेगी, सीएसडी चाहे वो कैंटीन वगैरह हो, वो सारी सुविधाएं आपको असम राइफल में दोस्तों मिलने वाली है। बस आपकी जो पोस्टिंग है वो भी कहाँ रहेगी दोस्तों, असम राइफल में ही रहेगी, ठीक है। बाकी डेपुटेशन अगर आप जाना चाहते हो असम राइफल से कहीं और, तो वो आप जा सकते हो, चाहे सीबीआई में जाना चाहो या अदर कोई भी जो है, हर जगह मतलब हर चीज में फैसिलिटी है, एसएसबी में भी, बीएसएफ में भी, सीआरपीएफ में भी, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सभी में ये फैसिलिटी है कि भैया अगर आप इधर उधर आप जाना चाहो, ठीक है, डेपुटेशन, तो आप डेपुटेशन भी जा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, जो सीआईएसएफ है आपका, सीआईएसएफ में जो आपका छुट्टियों का जो वो है पैटर्न वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये ज्यादातर सिटी एरियाज में रहते हैं, तो लगभग इनका 45 डेज के अप्रोक्स इनका छुट्टी मतलब रहता है, मतलब एक तरह से लगा लो कि 8 डेज सीएल और 30 डेज ईएल, ठीक है, ये इनका रहता है। बाकी अदर फोर्सेज में दोस्तों 60 डेज ईएल रहता है और 15 डेज सीएल रहता है, ठीक है, यहां पर भी यही रहता है, यहां पर भी यही रहता है, यहां पर भी यही रहता है, ठीक है, और यहां पर भी आपका यही रहता है, ठीक है। तो दोस्तों तो ये फैसिलिटीज है आपकी इसकी। बाकी दोस्तों यहां पर अगर बेस्ट जॉब कहा जाएगा, ठीक है, अगर आपको बेस्ट फैसिलिटी अपनी फैमिली वगैरह आपको रखनी है, थोड़ा सा पढ़ने का टाइम भी निकालना है और मतलब अच्छे एरिया में आपको रहना है, तो सबसे बेस्ट तो आपका दोस्तों सीआईएसएफ ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लोकेशंस है, ठीक है, सारी वो मेट्रो एरियाज में है, मतलब जहां अच्छा अच्छा एरिया है वहां पर आपकी फैसिलिटी सारी है, वहां पे खाने की सुविधा, हर चीज की सुविधा आपको बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो सीआईएसएफ एक बेस्ट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर सीआईएसएफ का अगर मैं देना चाहूं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में सीआईएसएफ का देना चाहूंगा एससीएम के मामले में, ठीक है। अगर दोस्तों सेकंड प्रेफरेंस, अगर सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है तो सेकंड प्रेफरेंस आप एसएसबी का दे सकते हो, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस आपको दे सकते हो, क्योंकि छोटी सी फोर्स है और इसका जो प्रमोशन लेवल है, प्रमोशन लेवल काफी अच्छा है, ठीक है, प्रमोट मतलब जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और अभी दोस्तों उस हिसाब से देखा जाए तो कम यूनिट है, जैसी यूनिट इनकी बढ़ेगी तो प्रमोशन भी और जल्दी ज्यादा होने वाला है। इनमें इनके मुकाबले बीएसएफ सीआरपीएफ इनमें क्या है ज्यादा यूनिट है, कम से कम इनमें 250 यूनिट्स है, लेकिन इसकी 72 यूनिट्स है, 73, ठीक है, एसएसबी में, तो इतना यूनिट ना होने के कारण यहाँ का प्रमोशन भी बढ़ जाएगा, आई थिंक। फिर इसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये ऑप्शन हो गया, उसके बाद दोस्तों थर्ड मैं सीआरपीएफ को देना चाहूंगा, क्योंकि सीआरपीएफ का भी काफी अच्छा वो है जॉब प्रोफाइल, ठीक है, कम से कम ग्रुप सेंटर वगैरह में आपको जॉब प्रोफाइल रहता है, ठीक है, और अलग अलग मतलब जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी काफी इसके हेडक्वार्टर्स है, और आप मतलब स्टेट लेवल में ही आप रहोगे, ये नहीं है कि भैया बॉर्डर एरियाज में आप जाओगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर देना चाहूंगा अगला, तो मैं फोर्थ में देना चाहूंगा आईटीबीपी का। आईटीबीपी में दोस्तों कम से कम ये है कि अपना ये भारत तिब्बत जो बॉर्डर है वहीं पे रहना है, जॉब प्रोफाइल वहीं रहना है, कुछ ज्यादा इधर उधर आपको जाना नहीं है, और प्रमोशन का जो लेवल रहने वाला है
यहाँ पर भी दोस्तों प्रमोशन का लेवल थोड़ा ठीक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी आईटीबीपी की भी जो यूनिट्स है वो काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब प्रमोशन ऑर्डर भी थोड़ा सही ही रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों बीएसएफ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसमें थोड़ा एरिया वही रहता है। और इसके बाद आप इसका ऑप्शन दे सकते हो और लास्ट में आप असम राइफल का पोस्ट वो दे सकते हो। बाकी दोस्तों दो चार चीजों में मैं बताऊंगा, सीआरपीएफ में आपको एएसआई मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाता है, बाकी सब जगह क्या है प्रमोशन वैसे ही होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे आपको एएसआई मिनिस्टर का एग्जामिनेशन दोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और एसएसबी में क्या होता है, जब आप एएसआई मिनिस्टर बन जाओगे उसके बाद आपको एसआई का मौका मिलता है, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। अभी मतलब कुछ दिनों से बंद कर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये मौका मिलता है एएसआई मिनिस्टर के बाद, ठीक है। 3 साल की अगर आपकी जॉब है तो सब इंस्पेक्टर मिनिस्टर का मौका मिलता है, यहाँ पे बढ़ने का आपका चांस एसएसबी में भी रहता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये बीएसएफ में एएसआई मिनिस्टर का नहीं था दोस्तों, सीआरपीएफ में था, ठीक है, सीआरपीएफ में एएसआई मिनिस्टर का मौका मिलता है। बाकी और किसी फोर्स में मिनिस्टर मतलब जो अपर ग्रेड में एग्जाम देकर अपर ग्रेड में मौका नहीं मिलता है, ओनली एसएसबी और सीआरपीएफ में आपको मिलता है। बाकी देखो दोस्तों आपका अपनी इच्छा है, मैंने चीजों के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है, कि आपको सारी चीजें बता दी भाई कौन सा क्या 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 इनका काम है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है आप कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस जाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह की बात करें तो सीआरपीएफ में ज्यादा अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सीआरपीएफ में पैसे की अगर आपको ज्यादा देना तो सीआरपीएफ में पैसा ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे सीआरपीएफ ही रहेगा आपका, ठीक है। अगर कोई आराम की नौकरी चाहिए तो एसएसबी भी ठीक है, और सीआईएसएफ तो भाई देखो फैसिलिटी के मामले में बेस्ट है, और फैमिली वगैरह अपना रखना हो, फैमिली परमिशन अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेट्रोपोलिटन एरिया में आपको रहना है तो अच्छा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और शेयर करें कि विच प्रेफरेंस यू वांट टू फॉलो, किस प्रेफरेंस को आप करोगे, ठीक है। और एक बार कमेंट में अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी ये सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, और मैं इसको पढ़ाने के लिए मतलब मैथ्स वगैरह और रीजनिंग जीके वगैरह सारी चीज पढ़ाने का भी मैं एक मतलब कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ, और वो जल्दी ही मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है, लाइव लाऊं या फिर आपको नॉर्मली मैं वीडियोस बना के डालूं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी को पता लग सके कि भैया कौन सा प्रेफरेंस हम डालें, ठीक है। तो अपना चेक बैक भी ढंग से कर लेना, फॉर्म को अच्छे से फॉर्म फिल करना और अच्छे से मेहनत भी करना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।